मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यह जो ग्राफ है वह डिपेंड करता है कि ए का कोफिशियंट ए लेस देन जीरो, मतलब ए का वैल्यू अगर माइनस वन में होगा या माइनस टू में होगा, माइनस फाइव में होगा, एनी निगेटिव इंटेजर्स लेस देन जीरो, एनी निगेटिव इंटेजर्स लेस देन जीरो, अगर ए का वैल्यू जीरो से छोटा होगा या ए का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटेजर्स इज ग्रेटर देन जीरो, एनी पॉजिटिव इंटेजर्स इज ग्रेटर देन जीरो। आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में ए का वैल्यू वन है, ए का वैल्यू वन है, तो यह कंडीशन लागू होता है, यह कंडीशन लागू होता है ए ग्रेटर देन जीरो, और इस कंडीशन में ए का वैल्यू माइनस है, इसमें यह कंडीशन लागू होता है ए लेस देन जीरो। तो वन के जगह पर कुछ भी हो सकता है, दो चार पाँच छः कुछ भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन जब रहेंगे तो उसका ग्राफ जो होगा यू आकार का होगा या भी आकार का होगा, वक्र रूप में यू आकार का होगा या भी आकार का होगा, इसको कहते हैं पैराबोला पर वलय आलेख, पैराबोला पर वलय आलेख। अब देखिए हमने क्या किया, जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको y के द्वारा डिनोटेट कर दीजिएगा, करेक्ट, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वाई के द्वारा डिनोटेट करने के बाद आपको जो इच्छा है किसी भी इंटेजर्स को पुट कीजिए। मैंने वन पुट किया, वन का स्क्वायर वन, यहाँ वन हुआ, फिर यहाँ वन हुआ, फिर यहाँ वन हुआ, तो वाई का वैल्यू थ्री हुआ, क्योंकि पूरे इक्वेशन इधर डिनोटेड बाय द वाई। उसके बाद मैंने एक्स का वैल्यू दो लिया, तो एक्स का वैल्यू दो लिया तो यहाँ दो का स्क्वायर या यहाँ पर दो हुआ, यहाँ पर वन हुआ, दो दुनी के चार, दो छ, एक सात, वाई के वैल्यू सात हुआ। उसके बाद मैंने x का वैल्यू माइनस वन लिया, तो माइनस वन लीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, x का वैल्यू माइनस वन, x का वैल्यू माइनस वन, माइनस वन ये कट गया, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद मैंने x का वैल्यू माइनस टू लिया, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, इसको माइनस टू, और ये हो गया माइनस टू, ये हो गया वन, ये हो गया आपका चार, माइनस दो प्लस एक, चार एक पांच, पांच में दो गया, कितना हुआ आपका तीन हुआ। इस तरह से आप कोई भी डिजिट को पुट करके वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको डिनोट करना है वाई के द्वारा, और जो एक्स का मान पुट करेंगे वह एक्स का मान होगा, जो रिजल्ट बनेगा वह वाई का मान होगा। उसके बाद आपको करना है क्या, ग्राफ पेपर पर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, जिसको कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, और उसके बाद जो आपका ये नंबरिकल वैल्यू आया हुआ है उसको ग्राफ में हम पुट करेंगे, जैसे एक और तीन, तो एक्स का मान एक, वाई का मान तीन, एक्स का मान दो, वाई का मान सात, एक्स का मान दो, वाई का मान सात, एक्स का मान माइनस एक, वाई का मान एक, x का मान माइनस एक, वाई का मान एक, एक्स का मान माइनस दो, वाई का मान तीन। इसको डॉट आउट करके मैंने फ्री हैंड से आप इस तरह से बनावे कि देखने में भी अच्छा लगे, और यू आकार या भी आकार की उसकी आकृति भी प्राप्त हो जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डियर स्टूडेंट्स, पैराबोला ग्राफ का दो कंडीशन, या तो a जीरो से छोटा हो, a लेस देन जीरो, या a जीरो से बड़ा हो, a इज द ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब x स्क्वायर के कोफिशियंट पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। यह प्रायः
सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्राय प्रश्न पूछे जा रहे हैं या कई विगत वर्षों से इस प्रश्न को आपने देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब ग्राफ दिया जाता है तो आपके दिमाग में हमेशा यह मानसिकता परिपक्व होनी चाहिए कि इसका ग्राफ का टाइप दो ही होता है, यू आकार का होता है या भी आकार का होता है। अगर यू भी नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपका वैल्यू पुट करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुआ है। तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट को जहां तक होगा इसको सेंड करेंगे, और जैसे ज़्यादा अगर व्यू आता है तो इसे स्वतः मुझे एनर्जी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।